दोस्तों मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छे खासे मार्क्स से पास कर लिया है दोस्तों। पास करने के बाद मैंने पुलचुक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया है। अभी मेरे पास क्लास स्टार्ट होने में 1 से 1.5 महीने का टाइम है दोस्तों। ऐसे टाइम में मैं क्या करूँ, इसका जवाब पाने के लिए मैंने यूट्यूब पे गया। यूट्यूब पे जाके मैंने देखा, बहुत लोगों ने मुझे गाइड किया कि बेटा तुम अभी से कोडिंग सीखो, अपने बैच के लोगों से एक स्टेप आगे रहो। मैं सोच रहा हूँ कि अब कल से सी, जावा, पाइथन सब कुछ सीखूंगा दोस्तों। अभी एक स्टेप आगे रहने से भी क्या फ़ायदा, 2 स्टेप आगे रहने का सोच रहा हूँ दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि अभी से ही फर्स्ट सेमेस्टर का अच्छे से पढ़ाई करूँ कि मुझे एग्ज़ाम के टाइम में उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप ना हो दोस्तों। लेकिन अब इतना से भी क्या होगा दोस्तों, आखिर ज़िंदगी भर पढ़ाई ही किया तो पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना पड़ा ना दोस्तों। मैं सोच रहा था कि अभी गिटार बजाना सीखूँगा, डांस करना सीखूँगा, कि सब चीज़ में मेरा एक्सपर्टीज़ हो दोस्तों। अब इतना से भी आखिर होगा क्या अगर मैं अपने हेल्थ का ख्याल ना रखूँ, आखिर हेल्थ इज़ वेल्थ दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल से एक्सरसाइज करूँगा, रोज़ रोज़ जॉगिंग जाऊँगा। यार दोस्तों आज पहला दिन तो है दोस्तों, अभी 1.5 महीना टाइम बाकी है, अभी से ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ने लगा तो कैसे होगा दोस्तों। कल से पढ़ेंगे दोस्तों, कल से। आज एक काम करता हूँ दोस्तों, आज सो जाता हूँ दोस्तों। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट बाका बॉय। कल से करेंगे यार। अरे कल से पढ़ेंगे यार। कल से पढ़ेंगे यार। सुलो से मेरा क्लास है। बाप रे आज क्या हो गया, 15 तेरी यार। कल से जाएंगे यार। फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज एंड गोइंग टू द कॉलेज विद द फुलेस्ट ऑफ माई एनर्जी एंड देयर वी गो। बड़ी एक्साइटमेंट आए रखे हमारे लाना बिर्सी रहो तो लाओ जानू पर्यो मजा एवं निस्क सके होइन। एउटा मेरो साथी चाहिँ बाटोमा, उसले फेरि लिएर अनि पुलचोक जाने हामी चाहिँ ल आयो अटोबाट झरेर हामी चाहिँ पुलचोकको बाटो लाग्यौँ। त्यहाँ गएपछि चाहिँ हाम्रो अरू पनि साथीहरू भेट्यो। भित्र गएपछि चाहिँ एउटा अर्कै टाइपको फिल हुन्छ कि हो आफू इन्ट्रान्स क्र्याक गरेर आयो यहाँ, मतलब नाम निकालेर पढिरहेछौँ भनेर। यो चाहिँ एसिटिज बिल्डिङ हो है, हाम्रो इन्ट्रान्स चाहिँ यही हुने गर्छ। पुलचोकमा इन्फ्रास्ट्रक्चर त ठिक ठिकै छ होइन, तर यहाँ चाहिँ मैले सबभन्दा बढी मन परेको चाहिँ यहाँको ग्रिनेरी हो कि। हुन त हो अलिकति राम्रै मेन्टेन गरेर राखेको छ यता होइन, तर इट्स वे मोर ब्युटिफुल इन इट सेल्फ। त्यसपछि हामी युनिटी सलहरूतिर गयो होइन, त्यहाँ डान्स गर्छ, गाना गाउँछ, खै के गर्छ भनेर पुरै एक्साइटमेन्ट थियो होइन। अनि भित्र गएपछि चाहिँ त थियो इन्ट्रेस्टिङ, थियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो गाइज, एकदमै बढी मजा आयो, एकदमै बढी बोर भइएन। अनि त्यसपछि चाहिँ द स्लाइड वी हेभ बिन वेटिङ फर। थ्याङ्क यू बिमल, बोलो जुबा केसरी। हेलिकप्टर, हेलिकप्टर। One more thing that I would like to add on is the seniors. I mean the seniors you have in Pulchok, they are always there to guide you, right? जति केर नि जे क्वेश्चन्स हुँदैन नि उहाँले रिप्लाई गर्नुहुन्छ के। अहिले चाहिँ सिनियर्सहरूलाई हामीले चाहिँ सिभिल डिपार्टमेन्टहरूलाई लाउनु भएको, हामी चाहिँ अहिले क्लासमा बसेका छौँ 48-48 गर्दै 4 सेक्सन छ सिभिलको चाहिँ पुलचोकमा। द सिनियर जुनियर्स बोर्डिङ अगेन द्याट इज फर द क्याम्पस टोर। यस यु हर्ड इट राइट, द क्याम्पस टोर। एक्चुअली दिस क्याम्पस इज वे मोर बिगर एन्ड सेल्फ, यु सी फर द इन दिस ब्लग। किप वाच द टिकोस ऑन द फर्स्ट डेस्टिनेसन एन्ड इट वाज समथिङ लाइक अ स्विमिङ पुल। आई मिन दे टोल्ड अस दिस, एक्चुअली दे वर नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई थिंक दैट वॉज समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रो पावर और आई विल एक्सप्लोर दैट लेटर ऑन। सरकारी कैंपस भएपछि जग्गाको कमी नै हुँदैन। यो चाहिँ मेरो क्रिकेट ग्राउंड हो, एकदम मजाको क्रिकेट ग्राउंड रहेछ होइन, 4 वर्ष त मजाले गर्छ यहाँ चाहिँ। एन्ड देन दे टुक अस टु द आर्किटेक्चर बिल्डिङ। दिस बिल्डिङ इज सपोज टु हेभ वन अफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द कलेज प्रमिसेस। बिल्डिङबाट तर झरिसकेपछि चाहिँ यहाँ एउटा गुफा पनि थियो कि, अनि दाइहरूले हामीले त्यही गुफा हेराउनलाई लग्नु भएको चाहिँ।
हस्त यति यो ब्लगको लागि चाहिँ अरू अरू ब्लग पनि हाल्नेछु, त्यसको लागि सब्सक्राइब गरिदिइहाल।